हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल तेजस गियर। सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट बनाए रखा। और धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 50 प्लस सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, तो आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। और रहा बात वीडियो का, तो आज का वीडियो होने वाला है साइड इंडिकेटर के ऊपर, जो कि मैंने अपने RX 135 के लिए मंगवाया है। आप लोगों में से बहुतों को ये पता है कि मैं अपना RX 135 रिस्टोर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने साइड इंडिकेटर मंगवाया है और वो है मिंदा कंपनी का। मिंदा एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इसके CEO का नाम है निर्मल के मिंदा। बहुत ही अच्छा कंपनी है ये। कंपनी इंडिकेटर के अलावा हेडलाइट बनाती है, हॉर्न बनाती है, स्विचेस बनाती है, इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती होगी, मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी बनाती है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बनाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इंडिकेटर कैसा है। तो यह है वो साइड इंडिकेटर जिसके बारे में अभी मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। और यह है आपका मिंदा कंपनी का UNO मिंदा साइड इंडिकेटर असेंबली। और ये मैं बैंगलोर से मंगाया हूं अपने RX 135 के लिए। तो ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसको ब्लिंकर भी कहते हैं, फ्रंट यामाहा RX 100। ये आप RX 135 में भी लगा सकते हैं, ये सेम टू सेम होता है, दोनों गाड़ियों में आप लगा सकते हैं। और इसका MRP कितना पड़ा है यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन जिनसे मैं लिया हूँ वो इसको रब करके शायद मुझसे एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है, तो MRP मुझे अभी याद नहीं है। ये बहुत दिन हो गया मंगवाए, तो ये एक्चुअली पड़ा पड़ा थोड़ा इसका गत्ता भी ख़राब हो चुका है। चलिए इसका एक व्यू ले लेते हैं। इस एक पैकेट में दो पीस होता है, यानी कि वन पेयर का होता है, ये फ्रंट और रियर का एक ही टाइप का होता है। और ये देखिए, ये है वो इंडिकेटर, इसमें बल्ब और इसका वायरिंग फिटिंग सब कुछ दिया हुआ है। ये रेडी टू इंस्टॉल है, आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। ये अभी प्लास्टिक रैप है, मैं आप लोगों के लिए एक प्लास्टिक रैप खोल देता हूँ, इसका फिनिशिंग आपको समझ में आएगा। और जैसे कि मिंदा, आप लोगों को बहुतों को तो पता ही होगा कि मिंदा बहुत अच्छा क्वालिटी का चीज़ बनाती है। और ये जो इंडिकेटर है, ये RX 100 या RX 135 का आइकॉनिक लुक वाला इंडिकेटर है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपना गाड़ी रिस्टोर कर रहा हूँ, मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे रिस्टोर करना है, मुझे मॉडिफाई नहीं करना है, इसलिए मैं मॉडिफाई करने लायक कोई चीज़ नहीं मंगा रहा हूँ। गाड़ी के साथ कंपनी जो जो चीज़ जैसा जैसा देती थी वैसा ही चीज़ मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक आइकॉनिक मज़ा है। ये गाड़ी के साथ सेम टू सेम ऐसा ही इंडिकेटर आता था, और मॉडिफाई करने से क्या होगा, इसका उसका जो एक लेजेंडरी आइकॉनिक लुक है वो लुक ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना गाड़ी का कुछ भी मॉडिफाई करूं, मैं मॉडिफाई के इस गाड़ी को कम से कम तो मैं मॉडिफाई नहीं करना चाहता। तो ये है इंडिकेटर का लुक। ये देखिए, फिनिशिंग वाइज बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। यहाँ पर देखिए, ये मिंदा लिखा हुआ है, तो ये मिंदा का ओरिजिनल है, इस तरफ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ये मिंदा एक्चुअली एम्बोस करके लिखा है, और ये टेस्टेड ओके लिखा हुआ है, यानी कि ये टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए, UNO मिंदा का प्रिंट भी किया हुआ है, ये प्रिंट करके UNO मिंदा लिखा हुआ है, और इसमें भी एम्बोस्ड है, ये देखिए UNO मिंदा यहाँ पे भी एम्बोस्ड है। तो ये है इसका एक, दोनों ही सेम है, मैं आपको एक खोल के दिखा चुका हूँ, दोनों ही सेम है। तो इसका एक्चुअली मैं दो पेयर मंगवाया हूँ, दो आगे के लिए और दो पीछे के लिए। वैसे तो OE मेड का भी आता है, सेम ही होता है, दिखने में सेम होता है, OE का भी क्वालिटी अच्छा ही है। मैं जस्ट ऐसे फ़ोटो में देखा हूँ, मैं कभी मंगवाया नहीं हूँ, तो OE का मुझे मिला नहीं। तो मिंदा भी ख़राब नहीं है, दोनों का परफॉर्मेंस एक ही है, और क्वालिटी वाइज भी दोनों सेम है, कुछ फ़र्क नहीं नज़र आएगा। आप OE का भी देख लीजिएगा तो आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। तो ये था हमारा साइड इंडिकेटर असेंबली।
तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।